हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू लखनऊ लोकल्स। आज हम बात करने वाले हैं कैराटे के एक नॉनस्टिक के बारे में, जो कि आपको मिल जाता है ग्रानी स्टोन फिनिशिंग में। ये जो नॉनस्टिक आज हम दिखाने वाले हैं, इसके मटेरियल के बारे में, इसके साइजेस के बारे में और साथ ही साथ और भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक रुके रहिएगा, जिससे आपको कंप्लीट डिटेल मिल सके इस नए तरीके के नॉनस्टिक के बारे में, जो कि इंडिया में रिसेंटली अवेलेबल हुआ है। और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आज मैं ब्रांड आपको बताने वाला हूँ, ये ग्लोबल ब्रांड है जो कि रीसेंट में इंडिया में काफी ज्यादा धूम मचा रहा है। सबसे पहली बात करेंगे इसकी फिनिशिंग की। इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उसकी फिनिशिंग आपको एक अच्छी लेवल पे मिलेगी। और साथ ही साथ पहले वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं उठाता हूँ फ्राई पैन को। अगर इसके फ्राई पैन की बात की जाए, तो यहाँ पे ये 24 सेंटीमीटर डायामीटर होता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डायामीटर है वो 24 सेंटीमीटर है, जो कि एक मीडियम साइज होता है, हर एक किचन के लिए रिक्वायर्ड साइज होता है। साथ ही साथ ये आता है डाईकास्ट में। डाईकास्ट का मतलब होता है कि मेटल को एक बहुत ही अलग तरीके से मोल्ड किया जाता है, जिसकी वजह से यूनिफॉर्म हीट डिस्ट्रीब्यूशन मिल सके और साथ ही साथ नीचे का बेस थोड़ा सा थिक हो सके, इंडक्शन कंपैटिबल भी, और साथ ही साथ आपको मिल सके एक यूनिफॉर्म हीट डिस्ट्रीब्यूशन। और जैसे अभी रिसेंट में हम लोगों ने नॉनस्टिक देखे हैं, जिसमें यहाँ पे एक मेटल का कैप लगाया जाता है, जिसकी वजह से हैंडल को टाइट किया जाता है। बट यहाँ पे बिल्कुल ही डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से आपका हैंडल के ही शेप में इसका मोल्ड बना दिया जाता है, जिसमें हैंडल इजिली इंटैक्ट तरीके से लग जाता है। इसमें बेनिफिट ये मिलता है कि कहीं भी आपको रिपिट्स देखने को नहीं मिलेंगे, स्क्रूज देखने को नहीं मिलेंगे, और जो मेटल जो आपका पैन का बेस मेटल है और उसके साथ साथ जो हैंडल है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से जॉइन हो जाता है, तो कभी भी ये ढीला होके इशू नहीं करता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको वुडन टेक्सचर देखने को मिलेगा और हैंडल की जो शेप और डिजाइन है वो काफी बेहतर और आर्गोनॉमिक देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये सिंगल स्क्रू से यहाँ पे टाइट है, जो कि पूरी तरीके से ये डाईकास्ट मेटल के अंदर होता है। तो ये काफी अच्छी तरीके से बनाया हुआ एक पैन है, जिसको आप रेगुलर बेसिस पे अपने गैस स्टोव में, इंडक्शन में, इवन अगर आप अब्रॉड रह रहे हैं तो वहां पे भी ये ब्रांड अवेलेबल है। ब्रांड का नाम है कैराटे, और जो कि आपको मिल जाता है इंडक्शन और हॉट प्लेट कंपैटिबल कुकवेयर। तो ये कुकवेयर में मैं कह सकता हूं कि सबसे पहले तो आपने फ्राई पैन देख लिया, इसका टेक्सचर भी बता दिया है, और दूसरा बात मैं आपको दिखाने वाला हूं इसकी कढ़ाई। कढ़ाई जो इसकी होती है, ये भी अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है, बट अगर आप 3-पीस सेट लेते हैं तो उसमें आपको एक काफी अच्छी वुडन फिनिशिंग वाली बैकलाइट हैंडल्स मिल जाते हैं, जो कि देखने में काफी आर्गोनॉमिक और इजी टू हैंडल लगते हैं। कहीं भी ये हाथ में गड़ते नहीं है, और साथ ही साथ ये डबल स्क्रू से टाइट होते हैं, जिसकी वजह से इसमें कभी भी मूवमेंट देखने को आपको नहीं मिलेगी। नॉर्मल नॉनस्टिक में मैंने देखा है कि सिंगल स्क्रू टाइट होता है, जिसकी वजह से इसमें मूवमेंट होने लगती है और बाद में हैंडल टूट जाता है, बट यहां पे आपको काफी अच्छा इंटैक्ट हैंडल मिलेगा, जो कि डाईकास्ट मेटल के अंदर ही वो टाइट हो जाता है। यहां पे भी आपको इंडक्शन बॉटम देखने को मिलेगा। और कढ़ाई का अगर आप शेप देखेंगे, तो कढ़ाई का शेप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो पहली बात, इसमें डायामीटर आपको ज्यादा मिलेगा, मतलब कढ़ाई जो है वो ज्यादा ओपन मिलेगी। 28 सेंटीमीटर का डायामीटर आपको दिया हुआ है, साथ ही साथ इसकी कैपेसिटी 3.5 लीटर है, मतलब 3.5 लीटर की कढ़ाई है, जो कि जनरली हर घर की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये 3.5 लीटर में नॉर्मली आप कढ़ाई देखते हैं जो 26 सेंटीमीटर की होती है, बट यहां पे 28 सेंटीमीटर की दी है। और साथ ही साथ इसमें एक अच्छा खासा कर्वेचर, कोशिश करिए कि कंपनी ने ऐसी डाई बनाई जाए जिसमें अच्छा खासा कर्वेचर मिल सके, तो वेज और नॉन वेज डिशेस के लिए ये काफी ज्यादा बेहतर और प्रैक्टिकल है। और उसी के साथ साथ ये आती है इंडक्शन बॉटम में, तो आपके लिए ये मल्टीपर्पज यूज में जरूर यूज हो सकती है। और साथ ही साथ ये आती है डाईकास्ट में, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा बेहतर हो जाती है। अब यहां पे बात कर लेते हैं, ये तो हमने बात कर ली कि इसकी डिजाइन, इसकी टेक्सचर की, अब बात करते हैं आखिर कौन सा नॉनस्टिक है या कौन सा ये ग्रैनी स्टोन फिनिशिंग है और ये क्यों खास है। सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये जो ग्रैनी स्टोन फिनिशिंग होती है, इसको हम स्विस नॉनस्टिक भी कहते हैं, जो कि काफी अच्छी टेक्नोलॉजी से बनाई जाती है। नॉर्मली और इस नॉनस्टिक में और नॉर्मल नॉनस्टिक में डिफरेंस क्या होता है, उसको जरा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर हम ग्रैनी स्टोन फिनिशिंग की बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज है ये 5 लेयर कोटिंग में होती है। दूसरी बात ये होती है, ये स्पेशलाइज्ड नॉनस्टिक है, जो कि डाईकास्ट के ऊपर किया जाता है, तो कहीं भी आपको इसके अंदर का बेस मेटल एक्सपोज नहीं दिखेगा। जैसे नॉर्मल आप नॉनस्टिक यूज कर रहे होंगे, तो उसमें अंदर अलग कोटिंग होती है, बाहर अलग कोटिंग होती है, और बीच में एल्यूमिनियम दिखता रहता है, बट यहां पे ये इश्यूज नहीं देखने को मिलेंगे। आप कंप्लीट मेटल जो 360 डिग्री अगर व्यू में दिखाऊं आपको, तो यहां पे आपको कंप्लीट मेटल आपको मिलता है कोटेड विद ग्रैनी स्टोन फिनिशिंग। इसकी वजह से ये और ज्यादा मजबूत हो जाता है, हैंडलिंग भी काफी आसान हो जाती है। अंदर की तरफ से कोई भी अगर मैं यूटेंसिल आपको दिखाऊं, तो अंदर की तरफ से जो कुकिंग सरफेस है बहुत ही ज्यादा स्मूथ और कहीं भी हिंड्रेंस देखने को नहीं मिलेगी। रिपिट से लेके कोई भी स्क्रू से लेके कोई भी चीज आपको कुकिंग सरफेस में नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से इसको
वॉश करना आसान है, इसमें कुकिंग करना आसान है और काफी ज्यादा बेहतर क्वालिटी का है। यहाँ पे कैरोटे का ये आपको मिल जाता है कैसरोल जो कि 24 सेंटीमीटर का है, इसमें स्मॉलर साइज भी अवेलेबल है। इसमें आप कोई भी सब्जी इजीली कुक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। इसमें भी एक डिफरेंट हैंडल टेक्सचर देखने को मिलता है डिजाइन, तो मतलब मैं कह सकता हूं कि हर एक कुकवेयर एक अलग तरीके से डिजाइन किया गया है और ऐसा नहीं है कि जुगाड़ से कोई भी हैंडल किसी में भी लगा दिया गया है। सॉफ्ट पॉट या स्टॉक पॉट इसको कह सकते हैं, नहीं तो कैसरोल भी कह सकते हैं। इसका हैंडल एक अलग शेप का है, अलग टेक्सचर का है, वहीं पर कढ़ाई का हैंडल और डिजाइन एक अलग टेक्सचर का है, तो सबकी अपनी एक अलग यूटिलिटी है। और यहां पे हम बात कर लेते हैं सबसे कॉमन यूज होने वाले प्रोडक्ट की, जो कि है इसका डोसा तवा। इंडिया में डोसा तवे की डिमांड बहुत ज्यादा है और नॉनस्टिक डोसा तवा काफी लोग बड़े परेशान रहते हैं, क्योंकि नॉनस्टिक डोसा तवा हमेशा यहां पे गंदगी फंस जाती है, ऑयल जमा हो जाता है, पील ऑफ होने लगता है। बट यहां पे जो मैं आज डोसा तवा आपको दिखाने वाला हूं, ये कंप्लीटली क्लियर फिनिशिंग के साथ आता है और साथ ही साथ ये आता है स्विस नॉनस्टिक, जो कि लेड फ्री होता है, PFOA फ्री होता है और भी इसमें FDA सर्टिफिकेशंस आपको मिले हुए हैं। तो यहाँ नीचे की तरफ से काफी अच्छी आपको इंडक्शन बॉटम मिलता है और कंप्लीट जो आपको कुकवेयर मिलता है वो आपको मिलता है डाइकास्ट के ऊपर स्विस नॉनस्टिक, और उसी के साथ साथ यहाँ पे भी वुडन टेक्सचर वाला बैकेलाइट हैंडल मिलता है जो कि एक अच्छी क्वालिटी का है। हमेशा ध्यान रखिए हर तरीके के नॉनस्टिक का कुकिंग तरीका अलग होता है, और मैं आपको बता दूं ये लगभग 30 कंट्रीज में वर्किंग कर रहे हैं और उसी के साथ साथ हर एक कंट्री में कुकिंग कंडीशंस अलग अलग हैं, कुकिंग स्टाइल अलग अलग है, और सबसे ज्यादा डाइवर्स कंट्री इंडिया है जहां पे कुकिंग स्टाइल हर एक जगह पे वेरी करती है। मगर कुछ ऐसे प्रिकॉशंस होते हैं जो बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं। प्रिकॉशंस बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये कैसे खरीद सकते हैं, क्या प्राइसिंग है और क्यों मैं इसका डिटेल रिव्यू कर रहा हूं। एक्चुअली मेरे पास बहुत ज्यादा डिमांड आई थी कि ऐसे नॉनस्टिक बताने की जो कि एक बेहतर क्वालिटी का हो, जिसकी बेहतर फिनिशिंग हो और जो प्राइसिंग हो वो इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो। तो अभी जैसे कि रीसेंट में देखा भी जा रहा है कि प्राइसिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, बट इस समय मैं आपको ये चीज प्रॉमिस कर सकता हूं कि ये जो नॉनस्टिक मैं आपको दिखा रहा हूं, इसके जो आपको जो क्वालिटी ऑफर हो रही है उससे काफी कम दाम पे ये अवेलेबल होगा। सबसे पहली चीज है 3-पीस सेट की बात होती है। हमेशा हम नॉनस्टिक लेते हैं तो वो सेट में लेते हैं, हमें सस्ता पड़ता है, बात सही है। तो यहां पे अगर आप 3-पीस सेट लेते हैं तो वो 48% डिस्काउंट पे है, जिसका बाय लिंक यहां पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको परचेज करना है यहां पे नीचे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, एरो दिया है वहीं से डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, जहां पे 3-पीस सेट का आपको 48% डिस्काउंट का बाय लिंक मिलेगा जो कि ऑल इंडिया के लिए वैलिड है। तो आप चाहे तो वहां से ऑर्डर कर लीजिएगा, आपके पास एक बेहतर नॉनस्टिक अच्छी खासी हालत में पहुंच जाएगा। अब बात कर लेते हैं उसके साथ साथ इसकी इंडिविजुअल प्राइसिंग की। तो एक तो 48% आपको डिस्काउंट मिल रहा है इन तीनों का, बट अगर इंडिविजुअल प्राइसिंग भी देखी जाए तो सिर्फ इस अगर हम मैं फ्राई पैन की बात करता हूं तो ये जो फ्राई पैन आपको मिल रहा है, ये फ्राई पैन जो आपको मिल रहा है ये सिर्फ 1019 से लेके 1100 के बीच में मिल रहा है, जो कि मुझे लगता है कि इस समय नॉर्मल नॉनस्टिक का ये प्राइस नहीं है जितना अच्छा प्राइसिंग इसमें आपको मिलता है। इतनी अच्छी प्राइसिंग में आपको अगर 1000 रुपये में अगर ये कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा है जो मुझे लगता है कि एक वर्थ इट है और इतनी अच्छी क्वालिटी में। उसी के साथ साथ अगर मैं डोसे तवे की सामने बात करता हूं तो ऑब्वियस ही बात है कि डाइकास्ट का डोसा तवा मैंने रिसेंट में देखा तो 1600, 1700, 1500 की रेंज में आता है, बट ये वाला डोसा तवा आपको लगभग 1100 की रेंज में मिल जाता है, 1000 से 1100 की रेंज मिल जाता है, जो कि मुझे लगता है कि काफी अच्छी और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है। तो अगर आप चाहें एक बेहतर डोसा तवा लेना तो दिस कैन बी द बेस्ट ऑप्शन जो ऑनलाइन अवेलेबल है इस समय। और उसी के साथ साथ अगर मैं कढ़ाई की बात करता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, अगर आप कोई भी 3-पीस सेट लेते हैं नॉनस्टिक का, उसमें कढ़ाई का साइज आपको 2.4 या 2.5 लीटर मिलता है और यहां पे आपको मिल जाता है 3.5 लीटर का साइज, जिसमें आप काफी बेहतर तरीके से कुकिंग कर सकते हैं। तो यहां पे आपको क्वालिटी और साइज भी कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं मिलेगा, काफी सोच समझ के इसकी प्राइसिंग और साइज रखा गया है। तो आपको 3-पीस सेट में जो कढ़ाई मिलने वाली है वो भी काफी अच्छी क्वालिटी की और काफी अच्छे साइज की मिलने वाली है। तो इसी के साथ साथ बहुत सारे ग्रिल पैंस भी इसमें मिल जाएंगे आपको, जिसको आगे हम डिटेल रिव्यू जरूर करेंगे। और यहां पर हम बात करते हैं एक यूनिक प्रोडक्ट की, जो कि इसका आता है, ये आता है कैसरोल। कैसरोल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कोई भी आप चीज कुक करते हैं, जैसे नॉर्मली आप भगोने में कोई चीज बना रहे हैं चिपक जाती है, जल जाती है, वो इश्यूज
इसमें नहीं आएंगे। ये आपको सेट के साथ नहीं मिलता है क्योंकि थोड़ा यूनिक प्रोडक्ट भी है और ये हर किसी की यूटिलिटी नहीं होती है। तो अगर आप चाहते हैं इस टाइप का एक 5 लेयर स्विस नॉनस्टिक जो कि लेड फ्री पीएफओई फ्री है और जहां पे आपको इंडक्शन बॉटम हॉटलेट कंपैटिबल भी मिल जाए, तो इंडिया ही नहीं आप अब्रॉड में भी इसको परचेज कर सकते हैं क्योंकि अब्रॉड में भी इसकी अवेलेबिलिटी आपको मिल जाएगी। तो यहां पे ये वाला जो नॉनस्टिक आपको मिलता है और ये कैसरोल जो मिलता है ये हर तरीके की सब्जी के लिए कंपैटिबल है। बस 2-3 प्रिकॉशंस रखने हैं जिसको मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं। तो इन सबका बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जितने भी प्रोडक्ट आपको यहां सामने दिख रहे हैं ये आप इजिली परचेज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। अब मैं बताता हूं प्रिकॉशन क्या रखना है। पहला प्रिकॉशन रखना है इसको खाली आपको गैस स्टोव या इंडक्शन पे नहीं चढ़ाना है, मतलब ड्राई हीट नहीं करना है। दूसरा प्रिकॉशन है जब भी इसको यूज कर लेते हैं तो जो भी फूड मटेरियल है उसको बाहर निकाल लीजिए और किसी भी टिश्यू से या ड्राई क्लोथ से इसके पूरे सरफेस से एक्स्ट्रा जो भी फूड मटेरियल है उसको हटा दीजिए गरम गरम में ही, जब भी ये गरम है। उसके बाद जब ये ठंडा हो जाए तो सोप वाटर से क्लीन कर दीजिए। आप कुकवेयर जैसा है वैसा ही रहेगा और ये इसकी ड्यूरेबिलिटी भी और ज्यादा बढ़ जाएगी। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा आपका कुकवेयर खराब नहीं होगा। तो आपको कैसा लगा ये कैरोटे का नॉनस्टिक जरूर बताइएगा। हालांकि मेरी तरफ से तो अगर आप नॉनस्टिक लेने की सोच रहे थे तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं और मैं जानता हूं कि आप काफी सेटिस्फाइड रहेंगे। तो कैरोटे की तरफ से मैं बता रहा हूं कि यहां पे एक अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, नॉनस्टिक आपको बहुत अच्छा डिजाइनर और एक बेहतर लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि इस टाइप के हम प्रोडक्ट्स आपके लिए लाते रहते हैं जिससे आप अवेयरनेस भी बढ़ती रहे और जब भी अच्छी डील्स आती हैं तो आप अपडेटेड रहें। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।